हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर एक ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रही है एग्ज़ाम डेट को लेकर। बिहार अमीन का जो रिक्रूटमेंट आया था 2020 में, तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कब तक एग्ज़ाम जो है वो आपका हो सकता है, एडमिट कार्ड वगैरह कब तक जारी हो सकते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो एक नोटिस जो है वो जारी कर दी गई थी, जैसा कि संशोधन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे फॉर्म भरने के टाइम बहुत सारे एस्पिरेंट से गलतियां हो जाती हैं, जिसको सुधारने के लिए फिर से लिंक एक्टिव किया गया था। इसकी डेट 11 तारीख थी, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देखिए 11 जून इसकी लास्ट डेट थी। आशा करता हूँ आपने इसको रेक्टिफाई कर लिया होगा अगर आपने कोई गलती की होगी तो। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम डेट की या फिर एडमिट कार्ड, जिसको मतलब एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ किया जा सकता है, उसी के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं एक कुछ फैक्ट्स रखूँगा जिसके हिसाब से मैं अपना ओपिनियन भी रखूँगा। उस हिसाब से आपको क्या लगता है उसके बारे में आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिट कार्ड निर्गत व परीक्षा आयोजन की तिथि से संबंधित जानकारी परिषद के वेबसाइट एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से यथासमय दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए यथासमय दे दी जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको फैक्ट्स बताने से पहले एक चीज़ क्लियर, मतलब एक कुछ छोटा सा डिस्कशन है जो कि आप लोगों से करना है। तो गाइस, हम लोग जो हैं अनअकैडमी से जुड़ चुके हैं। आप कॉम्पिटेटिव पाठशाला सर्च करके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड या फिर iOS यूज़र हैं तो आप दोनों ही फ़ोन में जो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक प्लस कोर्स में आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। मान लीजिए आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स हैं आप लोगों को, मतलब आपकी सफलता सुनिश्चित करवाने के लिए। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आप SSC के लिए या फिर बैंकिंग किसी के लिए भी क्लास ले रहे हैं, प्लस कोर्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको CPE10 ये रेफरल कोड डालना है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे इस वीडियो में लास्ट में बात भी करेंगे, इस बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं सारी चीज़ें। तो वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, देखते हैं कि अब जो एडमिट कार्ड है या फिर जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है बिहार अमीन का। तो गाइस, लॉकडाउन 5.0 की घोषणा सरकार ने कर दी थी। आपको 1 जून से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था सारे कंटेनमेंट जोन्स के अंदर, और अनलॉक 1 भी कहा गया था इसको, क्योंकि यहाँ पे 3 फेसेस में जो है फिर से जो पहले जैसी सामान्य स्थिति वैसी होने वाली है, ऐसा सरकार ने कहा था। तो फेज़ 2 में जो है गाइडलाइंस के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो जो हैं आपके जुलाई 2020 में फिर से खुलने वाले हैं। जैसा कि मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, री ओपनिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विल बी टेकन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो ये जुलाई में जो है ओपन वाले हैं। फेज़ 2 कब आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 8 जून से पहला फेज़ शुरू हुआ है, उसके 2 या 2.5 हफ्ते बाद फेज़ 2 आएगा, यानी कि जून एंड तक या फिर जुलाई मान के चलिए, आप जुलाई ही मान के चल सकते हैं कि जुलाई की फर्स्ट वीक से फेज़ 2 शुरू अगर हो रहा है, तो अगर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उस हिसाब से अगर सिचुएशन सही रहा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसल्टेशन, ठीक है, कंसल्ट करने के बाद, सभी बातचीत करने के बाद जो है ये इसके बारे में फिर से निर्णय लिया जाएगा। अगर मान लीजिए जुलाई में ये सब खुलता है, ठीक है, अगर मान लीजिए जुलाई में कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर एडुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलते हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाने वाला है, तो आपको नोटिस ज़रूर जून एंड तक दे दिया जाएगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम आपका होगा या नहीं होगा। यानी कि अगर आप जुलाई में ये सब खुलने वाला हो तो आपको जून एंड तक पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर जून एंड तक आपको इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम जो है वो आपका थोड़ा सा और ज़्यादा पोस्टपोन हो सकता है थोड़े दिन के लिए, ठीक है। और ये हमने अपनी राय रखी है जो हमें लगता है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जुलाई की बात है, ठीक है, जुलाई में स्कूल कॉलेजेस एडुकेशनल, हालांकि अभी सिचुएशन देख के खास करके दिल्ली और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं लग रहा है कि जो चीज़ें हैं जुलाई तक सामान्य हो पाएंगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा गाइडलाइंस में लिखा गया है कि फेज़ 2 में ये सारी चीज़ें खुलेंगी,
तो सरकार ने कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा, ये गाइडलाइंस बनाई होंगी। आगे देखते हैं क्या होता है, अगर जून एंड तक कुछ इसको लेकर अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के ज़रिए। अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में, ठीक है। और यही अपडेट थी गाइस जो कि आप लोगों तक पहुँचानी थी। आशा है जल्दी आप लोगों का एग्ज़ाम हो, जल्दी आप लोग का सिलेक्शन नौकरी मिले, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि हमने अनअकैडमी ज्वाइन कर ली है, तो आप यहां से प्लस कोर्सेज़ ख़रीद सकते हैं। यहां पे लियस के बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए या फिर अलग अलग टीचर्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ ऐसी फैसिलिटी अनअकैडमी पर ही मिलेगी। एक कोर्सेस में है, एक सब्सक्रिप्शन में जो 100 प्लस एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप जिसकी चाहें उसकी क्लास अटेंड कर सकते हैं, उसके साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी पीडीएफ लगा सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्विजर्स, क्लास पीडीएफ, डाउट क्लासेस, सब कुछ अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ अनअकैडमी पे ही अवेलेबल है और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो आज ही प्लस कोर्स खरीदिए। प्लस कोर्स खरीदते समय आपको CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है, ठीक है, ये आपको डालते ही 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंट एकदम, ठीक है। तो ये आपको डालना ही है, CPE10 रेफरल कोड, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।